को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो फाइनली दोस्तों, बॉलीवुड सिनेमा के इतिहास में सुपरस्टार शाहरुख खान ने आज वो कारनामा करके दिखा दिया है जो कि दोस्तों पिछले 100 सालों में कोई नहीं कर पाया है। और सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर और वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसर सिर्फ अपने पहले ही दिन बन चुकी है। और दोस्तों ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म जवान के दो दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। जानने वाले हैं दोस्तों कि ये फिल्म आज दो दिनों में कितने करोड़ की कमाई दुनिया भर से कर चुकी है और क्या ये फिल्म बॉलीवुड इतिहास के वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसर पठान को पीछे छोड़कर बनने वाली है या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस, बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुपरस्टार शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म जवान जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म में दोस्तों शाहरुख खान ड्यूल रोल में नजर आए हैं। उनका साथ दिया है दोस्तों इस फिल्म में नयनतारा, दीपिका पादुकोण, सानिया मल्होत्रा और विलन के तौर पर विजय सेतुपति ने। लगभग 250 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन किया है एटली कुमार ने जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज की गई। इस फिल्म को दोस्तों सिर्फ इंडिया में ही 5,500 स्क्रीन्स हिंदी, तमिल और तेलुगु में मिली, जबकि दोस्तों ये फिल्म बॉलीवुड की तरफ से और इंडियन हिस्ट्री की तरफ से ओवरसीज में रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म बनी। इस फिल्म को दोस्तों ओवरसीज में 4,500 से भी ज्यादा स्क्रीन्स मिली है और यही वजह है कि यह फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 10,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली बॉलीवुड की पहली फिल्म बनी है। दोस्तों बताते चले आपको कि जब से जवान के पोस्टर और टीजर ट्रेलर आए थे तब से ही ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड थी। और दोस्तों जैसे ही इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई वैसे ही दोस्तों इस फिल्म ने रिकॉर्ड्स की लाइन लगाना शुरू कर दी थी। कल दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस थी वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने रिलीज से पहले तक लगभग 40 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी, जबकि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की जो एडवांस थी वो 59 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी। कल मॉर्निंग से ही दोस्तों ये फिल्म 50 से 55% की ऑक्यूपेंसी लेकर ओपन हुई। आफ्टरनून और इवनिंग में दोस्तों इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी थी उसमें लगभग 100% की ग्रोथ देखी गई, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से धमाकेदार, दमदार और ब्लॉकबस्टर रिव्यूज मिलते हुए नजर आ रहे थे। उम्मीद नहीं थी दोस्तों कि सुपरस्टार शाहरुख खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को इतनी ज्यादा पसंद आएगी और ये फिल्म पठान से भी ज्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन हो जाएगी। दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म की कहानी को इस फिल्म ने सुपरस्टार शाहरुख खान के एक्शन, उनके स्वैग और उनके ड्यूल रोल को खूब पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म की कहानी दोस्तों मासी होने के साथ साथ एक्शन और विजुअल्स काफी दमदार है। साथ ही साथ दोस्तों शाहरुख खान ने एक बार फिर से बॉलीवुड के बादशाह क्यों कहे जाते हैं ये करके दिखा दिया है। ये फिल्म दोस्तों कल सिर्फ मॉर्निंग के शो तक ही डबल डिजिट के आंकड़ों को पार कर चुकी थी और दोस्तों 9 बजे के शो के साथ ही इस फिल्म ने 12 करोड़ रुपए की कमाई करके इस साल रिलीज होने वाली ओ माय गॉड 2, ड्रीम गर्ल 2 और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। आफ्टरनून में दोस्तों इस फिल्म की जो कमाई थी वो टोटल 17 करोड़ रुपए की थी और दोस्तों ये फिल्म 12 बजे तक लगभग 27 करोड़ रुपए की कमाई ऑल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी थी, जबकि दोस्तों 4:30 बजे तक इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो 42 करोड़ रुपए के भी आंकड़े को पार कर चुके थे। नाइट के दोस्तों इस फिल्म के जो शो थे उसमें काफी अच्छा बूस्ट देखने को मिला और दोस्तों कल जन्माष्टमी के मौके पर इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर लिया। बताते चले दोस्तों आपको कि शाम को 6 बजे के शो तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक कमाई करके पठान के रिकॉर्ड्स को एक बार फिर तोड़ चुकी थी और दोस्तों गदर 2 जैसी बड़ी बेहतरीन फिल्म को भी ये फिल्म बुरी तरह से पीछे छोड़ चुकी थी। लेकिन दोस्तों कल नाइट के शो के साथ ही इस फिल्म ने बॉलीवुड में एक नया इतिहास अपने नाम कर लिया है और बॉलीवुड इतिहास की पहली फिल्म बन रही है जो कि दोस्तों अपने पहले ही दिन 65 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को अपने पहले दिन पार करने में कामयाब रही। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दे चले कि जवान ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में ही जहां अपने पहले दिन
65 करोड़ रुपए की धमाकेदार ओपनिंग ले ली है। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो 19 से कहीं ज्यादा आया है और इस फिल्म ने दोस्तों 8 करोड़ रुपए की कमाई तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर भी ली है। वहीं दोस्तों तमिल में इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो भी अपने पहले दिन का धमाकेदार आया है और दोस्तों इस फिल्म ने 6 करोड़ रुपए तमिल बॉक्स ऑफिस पर भी कमाए हैं और इसी के साथ इस फिल्म का ऑल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो लगभग 78 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहा है, जबकि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो अपने पहले दिन का कलेक्शन है वो 150 करोड़ रुपए के भी आंकड़े को आसानी से पार कर चुका है। सुपरस्टार शाहरुख खान की इस फिल्म ने बॉलीवुड सिनेमा के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और दोस्तों बॉलीवुड इतिहास की पहली फिल्म बनी है जिसने की दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन 150 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसी के साथ दोस्तों शाहरुख खान ने एक बार फिर से साउथ सिनेमा के उन सभी एक्टर्स को टक्कर दे दी है जो कि अपने पहले दिन 150-200 करोड़ रुपए की कमाई पैन इंडिया फिल्में रिलीज करने की बात कर रहे थे। अब अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के सेकेंड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि सुपरस्टार शाहरुख खान की इस फिल्म के लिए जो दीवानगी है वो ऑडियंस के सिर चढ़कर बोल रही है। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म की आज अपने दूसरे दिन की जो एडवांस थी वो भी 22 करोड़ रुपए के आंकड़े को ऑलरेडी कल ही पार कर चुकी थी। ये फिल्म दोस्तों आज मॉर्निंग से ही 58 से 60% की शानदार ऑक्यूपेंसी लेकर ओपन हुई है। आफ्टरनून और इवनिंग की भी दोस्तों इस फिल्म की आज की जो ऑक्यूपेंसी है वो काफी अच्छा ट्रेंड कर रही है। आज दोस्तों वैसे नॉन हॉलीडे भी है, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में जो एक्साइटमेंट है वो भी दोस्तों काफी ज्यादा है। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म की आफ्टरनून और इवनिंग के जो शो है उसमें हाउसफुल के 80% से ज्यादा शो दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों नाइट में ये फिल्म आज सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हाउसफुल बोर्ड के साथ कमाई करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल में दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शन वो मॉर्निंग में ही 9 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों आफ्टरनून इवनिंग और नाइट के शो मिलाकर दोस्तों ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन भी लगभग 58 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है, जिससे कि इस फिल्म का 2 ही दिनों का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हिंदी कलेक्शन हो चुका होगा लगभग 123 करोड़ रुपए का। ऑल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों तेलुगु तमिल को मिलाकर यह फिल्म अपने 2 ही दिनों में 138 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी होगी, जबकि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन भी ओवरसीज मार्केट में रॉक कर रही है और दोस्तों ये फिल्म सुपरस्टार शाहरुख खान के करियर के वन ऑफ द मासेस्ट फिल्म बन चुकी है। यही वजह है कि इस फिल्म के आज के भी कलेक्शंस ओवरसीज से लगभग 120 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ये फिल्म सिर्फ 2 ही दिनों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड और ऐतिहासिक कमाई कर चुकी होगी और दोस्तों सुपरस्टार शाहरुख खान ये फिल्म के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वापसी कर चुके होंगे। 2 ही दिनों में दोस्तों ये फिल्म अपने बजट यानी कि दोस्तों 250 करोड़ रुपए की रिकवरी धमाकेदार अंदाज में कर चुकी है और दोस्तों जिस तरह से उम्मीदें की थी उसी तरह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है। अब ये भी कंफर्म हो चुका है दोस्तों कि जवान सिर्फ अपने 10 दिनों में ही 500 करोड़ रुपए के क्लब में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर शामिल हो सकती है। तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो 1500 करोड़ रुपए के आने वाले हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि जवान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1500 करोड़ रुपए की कमाई के साथ ही RRR और KGF चैप्टर 2 को पीछे कर पाएगा या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।